दूर दूर से बच्चे स्कूलों के लिए जाते हैं, तो उनके लिए जो है उनकी जानी हिफाजत को मद्देनज़र रखकर स्कूलों की छुट्टियों में भी तौसीह कर दी गई है। नाज़रीन, ये आप देख लें, ये जगह जगह सड़कों में पानी जमा है और इस तरह जो है यहाँ हालात को नॉर्मलाइज होने में कई दिन लगेंगे और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि यहाँ के लोगों के साथ इन हालात में, मुश्किल हालात में माली ताउन कर दी जाए। यह आप देख ले, ये मेन रोड, मेन सड़कों पर जगह जगह ये पानी जमा है और आमदोरफ्त के लिए भी मुश्किल पैदा हो गई है और लोग जो है अपने घरों के अंदर मसरूर होकर रह गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सड़कों के अंदर जो है जगह जगह पानी जमा है। ये गाड़ियों को गुजरने के लिए भी काफ़ी मुश्किल पेश आता है। ये बर्फबारी का ये खूबसूरत मंज़र ये आप अपनी आंखों से ये देख सकते हैं। ये अप्रैल का महीना और बर्फबारी का ये मंज़र बिल्कुल विंटर का मंज़र पेश कर रहा है। जी नाज़रीन, तो ये आप देख ले आप को ये मंज़र यही दिलकश मंज़र है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर चित्राल का ये इलाका बूनी। यहाँ इस वक्त आप मेरे आसपास ये देख सकते हैं मंज़र। इस वक्त यहाँ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये अप्रैल का महीना है और इस वक्त यहाँ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। कई दिनों से मौसलाधार बारिश हो रही थी और आज ये बाकायदा बर्फबारी शुरू हुई है। और आप ये देख सकते हैं ये मंज़र, ये अप्रैल का महीना, इस वक्त चित्राल में बर्फबारी हो रही है और ये शदीद किस्म की बर्फबारी हो रही है। और काफ़ी दिनों से चित्राल में जो आमदोरफ्त की सड़कें जो हैं वो भी बंद पड़ी हैं, जगह जगह लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद पड़े हैं। और जो हैं ज़िली इंतज़ामिया इस सिलसिले में जो है भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से यहाँ के रास्ते खोल दिए जाए और आमदोरफ्त का ये जो लिंक जो है उसको बहाल कर दिया जाए। और इस वक्त जो है नाज़रीन, यहाँ बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है और जो हैं लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। और आप ये देख सकते हैं ये मंज़र, और ये एक अनयूजुअल मंज़र है। और इस वक्त जो है अप्रैल का महीना और यहाँ जो है इस वक्त जो है ये बर्फबारी का होना, ये जो है एक अनयूजुअल सा वाक़या है। और जो है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं ये मंज़र, ये बर्फबारी का ये मंज़र है जो है ये सिलसिला, बारिशों का ये सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। और इस तरह जो है नाज़रीन, ये आप देख लें नाज़रीन, ये इंतहाई जो है यहाँ ये मंज़र इंतहाई दिलकश मंज़र है। लेकिन यहाँ ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से भी ये अलर्ट जारी हुआ है कि जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरतने की हिदायत कर दी गई है लोगों को, ताकि लोग जो है गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करने से गुरेज करें। तो नाज़रीन, ये आप ये मंज़र ये आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ आप ये देख सकते हैं ये हर जगह बर्फबारी का ये मंज़र, ये आपको ये नज़र आ रहा है। ये मंज़र इंतहाई दिलकश खूबसूरत मंज़र है। आप ये देख सकते हैं ये सामने जो है ये गंदम का खेत है। अभी हर तरफ जो है
सब्ज़ा हरियाली उग आई है, लेकिन यहाँ इस वक्त जो है बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये चूँकि मौसम बहार का यहाँ ये आगाज़ हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ ये मौसम जो है मौसम सरमा का ये मंज़र आपको दिख रहा है। ये बर्फबारी का जो ये सिलसिला है ये जो है बिला तातुल ये आज सुबह से बर्फबारी का ये सिलसिला यहाँ चालू हुआ है। और ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये इंतहाई दिलकश मंज़र, ये ख़ूबसूरत मंज़र, यहाँ बर्फबारी हो रही है इस वक्त चित्राल में, अपर चित्राल में। और यहाँ जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है, जगह जगह तोगयानी और की वजह से जो है सड़कें ख़राब पड़ी हैं, काफ़ी जो है लोगों को के इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। और इसलिए जो है यहाँ इस वक्त जो है आप ये देख सकते हैं मंज़र, ये सड़कों पर जगह जगह पानी खड़ा है। और ये हालात सूरत हाल इस वक्त यहाँ काफ़ी जो है गंभीर है। और जो है इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से लोगों को पूरी तरह से जो है भरपूर जो है हत्तुल वसा उन को इमदाद पहुंचाई जाए। तो नाज़रीन ये मंज़र है इस वक्त, ये आसपास का ये मंज़र आप देख सकते हैं, बर्फ़बारी का ये ख़ूबसूरत मंज़र है। और इस वक्त यहाँ